प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के नियोते पर पीएम मोदी अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे। पीएम की यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क से होगी। पीएम 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के नियोते पर पीएम मोदी अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे। यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां पीएम 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी भी इस समारोह में भाग लेंगे। साबा कोरोसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैं अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त राष्ट्र में होने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने के लिए उत्साहित हूँ। साबा कोरोसी के ट्वीट का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। आपकी सहभागिता कार्यक्रम को और भी विशिष्ट बनाती है। योग विश्व को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में एकजुट करता है। ये विश्व स्तर पर लोकप्रिय होता जा रहा है। न्यूयॉर्क के बाद पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी अहम मुलाकात होगी। राष्ट्रपति बाइडेन और जिल बाइडेन प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी और सीनेट के अध्यक्ष चार्ल्स श्यूमर सहित कांग्रेस के नेताओं के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करेंगे। 23 जून को पीएम मोदी के लिए संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लंच रखा है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को मुक्त, सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर रखने में भारत की भूमिका अहम है। मैथ्यू मिलर ने अपने बयान में कहा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी सबसे अहम है। हम भारत के साथ कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को मुक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर रखने में भारत की अहम भूमिका है। मिलर ने कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पीएम मोदी और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अमेरिका दौरे पर फोकस कर रहे हैं। वो कई मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी का सबसे अहम कार्यक्रम अमेरिकी कांग्रेस में उनके संबोधन को माना जा रहा है। पीएम के दौरे को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के सांसद काफी उत्साहित हैं। The relationship between the United States and India is strategic and global. It's a partnership guided by strong political will on both sides. It's built on the shared values of democracy, freedom and respect for the rule of law. This partnership is crucial for fostering peace, prosperity and stability around the globe, especially in the Indo-Pacific region. Prime Minister Modi, welcome to the United States of America. Ohio has a strong Indian American community. Indian Americans serve our nation honorably in the military. They're part of the fabric of our state. In my home in Cleveland, we're the only city in the world with a statue of Gandhi on a street named for Martin Luther King Jr. How cool is that? The United States and India have an important strategic partnership and a special bond, shaped by our mutual commitment to global peace and prosperity. As Prime Minister Modi said in his 2016 visit to D.C., our relationship is primed for a momentous future. It is critical that we strengthen the Indo-American partnership as we work together to advance our mutual interests and our shared commitment to democracy. अमेरिका दौरे के बाद पीएम मोदी 24-25 जून 2023 तक मिस्र की राजकीय यात्रा करने के लिए काहिरा का दौरा करेंगे। ये यात्रा मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के नियोते पर हो रही है। ये प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति सीसी से वार्ता के साथ साथ मिस्र सरकार के वरिष्ठ नेताओं, मिस्र की प्रमुख हस्तियों और भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। भारत की ताकत दुनिया भर में लगातार बढ़ रही है और इसकी वानगी एक बार फिर दिखेगी प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका और मिस्र के इस दौरे में।